जबलपुर बरगी अगर आपकी गाड़ी एमपी के बाहर की है और यह नेशनल हाईवे 34 के बरगी के पास से जा रही है तो आपको मध्य प्रदेश में आने का टैक्स एंट्री के रूप में देना होगा। फिर चाहे आपके पास सभी कागज पूर्ण हो या ना हो, बगैर एंट्री दिए आप यहाँ नहीं आ सकते। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपके साथ मारपीट गाली गलौज तक हो सकती है। जी हाँ, ये शिवराज सिंह का मध्य प्रदेश है जहाँ परिवहन विभाग वाहन चेकिंग नाम पर जमकर अवैध वसूली कर रहा है। यही नहीं, इनके साथ गैर सरकारी गुंडे भी इस चेकिंग का हिस्सा है जो मारपीट गाली गलौज और पैसे न होने की स्थिति में ड्राइवरों के मोबाइल आदि चीजें छुड़ा कर रख लेते हैं। जी यही हाल है मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग का, जो इस रोड से निकलने वाले अन्य देशों के वाहन चालकों के लिए अब डाकुओं से कम नहीं है। और बात भी सही है, क्योंकि ये सब काम जो ये कर रहे हैं वो काम ही ऐसे हैं जैसे ये विभाग अब लुटेरा और डाकू कहला रहा है। बरगी से लेकर रामनपुर घाटी के बीच से संभागीय आरटीओ के नाम से परिवहन चेकिंग विगत लगभग एक साल से की जा रही है, जिसे विभाग के अलावा दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट गुंडे नुमा लोग भी शामिल रहते हैं, जो ट्रक ड्राइवर को रोकते हैं और न रुकने पर उनका पीछा कर उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसी ही जानकारी जब स्थानीय पत्रकारों को लगी तो सजाने के लिए जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे, जिन्हें देखते ही कथित विभाग के लोग अपना काम बंद कर जाने लगे। पत्रकारों ने जब कार्रवाई की जानकारी चाही तो कंधे पर दो सितारे लगाए आरटीओ के अधिकारी को गुस्सा आ गया और वह अभद्रता पर उतर आए और अपने आरक्षकों को पत्रकारों पर हमले का इशारा कर दिया, जिससे वहां मौजूद वर्दी एवं बगैर वर्दी के लोगों ने पत्रकारों से धक्का मुक्का शुरू कर दी, जिसकी शिकायत बरगी थाना पुलिस अधीक्षक जबलपुर एवं आरटीओ जबलपुर संतोष पॉल को की गई है। इसके बावजूद भी कथित आरटीओ टीम ने अपनी जगह बदल कर वसूली चालू रखी हुई है। श्रमजीवी पत्रकार संघ के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें संभागीय परिवहन जांच दल के विषय में कुछ उनकी शिकायतें थी, जिससे मुझे अवगत कराया गया है। इन शिकायतों की जाँच की जाएगी और वस्तु पर तथ्यात्मक पाए जाने पर प्रयास ये रहेगा कि ये व्यवस्थाएं, क्योंकि कार्रवाई कर देना बहुत आसान काम है, लेकिन कार्रवाई कर देने से यदि व्यवस्थाएं सुधर जाएं तो सिस्टम में रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी पर कार्रवाई। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को हम इस फील्ड में भी ला करके ये प्रयास करेंगे कि उनके टेम्परामेंट में चेंजेस आए, यदि ऐसा पाया जाता तो। और यदि फिर भी सुधार नहीं होगा तो निश्चित तौर पर तथ्य जो पाए जाएंगे और इनकी प्रामाणिकता होगी तो पत्रकार संघ द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसमें बरगी क्षेत्र में आरटीओ के नाम से इनका कहना है कि कुछ लोग वसूली कर रहे हैं और कुछ संभावित जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा पत्रकारों से भी अभद्र व्यवहार किया। इस पूरे मामले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से जांच कराई और फिर विधिवत कार्रवाई। सर, जबलपुर आरटीओ संतोष पाल जी का कहना है कि कई बार उन्होंने भोपाल में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं होती और बरगी पुलिस पर सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि उनके ही संज्ञान में ये काम पूरा हो रहा है। अभी तक तो ऐसी कोई चीजें परिलक्षित नहीं हुई है। ये जो आरोप इसमें आरटीओ के नाम से है कि भाई आरटीओ के नाम, हो सकता कोई अन्य प्राइवेट लोग भी बता रहे थे इसमें, तो पूरे मामले की जाँच होना मेरे हिसाब से पहले आवश्यक है, उसके बाद ही कुछ कहना। बरगी के पास में लगभग बरगी से 15 किलोमीटर के दायरे के बीच में एक चार पांच वाहन खड़े रहते हैं, जिसमें संभागी आरटीओ का लेबल लगा हुआ है, जिसमें तीन से चार कर्मचारी पांच कर्मचारी वर्दी में होते हैं, बाकी विदाउट यूनिफॉर्म वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। लगभग 500 मीटर के दायरे में ये लोग डंडे लेकर खड़े रहते हैं। दोनों तरफ से आने वाले वाहनों को उनके द्वारा रोका जाता है। रोकने के बाद में दस्तावेज पूरे नहीं है तब भी, और दस्तावेज पूरे हैं तब भी उनसे पैसों की मांग की जाती है। पैसों की मांग तत्काल पूर्ति न होने पर उनके वाहन खड़े करा लिए जाते हैं, उनसे मारपीट खरीद की जाती है। इसी संबंध में जब हमारे साथियों को बरगी में पत्रकार साथियों को इसकी जानकारी मिली और तो मौके पर ये लोग पहुँचे, तो सबसे पहले उन लोगों ने जो अपने प्राइवेट लोग थे उनको वहाँ से इशारा करके अलग कर दिया। और उसके पश्चात में जब हमारे पत्रकार साथियों ने जानना चाहा कि ये किस प्रकार की जाँच है, तो इनके मास्क मुँह से अलग कर दिए, उनका मोबाइल छोड़ा लिया, उनके साथ मारपीट की घटना की गई, बाद में अलग उन्होंने मोबाइल वापस कर दिया, लेकिन तत्काल फिर वहाँ से मौके से भाग गए। इसकी शिकायत हम लोगों ने बरगी थाने में दर्ज कराई थी।